हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हमने ऑडिटिंग का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो उसी का ही हम एक और टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के बारे में। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो है वो वेरिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसमें जो असेट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, उनकी जो वैल्यू वगैरह चेक की जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, उसमें ऑडिटर का क्या रोल होता है और इसके जनरली प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वेरिफिकेशन क्या होता है असेट्स का और लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्ट क्या है और वेरिफिकेशन के जो प्रिंसिपल है वो डिस्कस किए थे। और आज के हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ठीक है, तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो है उसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में है। वैल्यूएशन इज़ एन एसेंशियल फीचर और एलिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। कि वैल्यूएशन क्या है, वेरिफिकेशन का बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, तत्व है। ठीक है, किसका, सत्यापन का, वेरिफिकेशन का। ठीक है, वेरिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सत्यापन और वैल्यूएशन को कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन के अंदर ही तो मूल्यांकन किया जाता है संपत्तियों का, तो ये उसका बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैल्यूएशन कमांड्स द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। और वैल्यूएशन जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, उसमें महत्व होता है, बहुत ही मतलब मूल्यांकन का बहुत ही महत्व माना जाता है वेरिफिकेशन के अंदर, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इसलिए वैल्यूएशन का बहुत ही महत्व होता है इसमें। फिर बात करते हैं, वैल्यूएशन मीन्स एन इंक्वायरी इनटू द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। अब देखिए, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन का मतलब होता है कि ये जांच करना कि जो बैलेंस शीट में असेट्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो ट्रू और फेयर वैल्यू पे रिप्रेजेंट किए हैं या नहीं किए हैं, मतलब वो सही और उचित मूल्य पर दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए हैं, यही बात चेक करना क्या कहलाता है, वैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन की मीनिंग है, डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि जब वैल्यूएशन किया जाता है असेट्स का, तो अलग अलग टाइप के जो असेट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप का वैल्यूएशन का मेथड यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम फिक्स असेट्स की बात करें, करंट असेट्स की बात करें, ठीक है, और जो इंटेंजिबल असेट्स है उनकी बात करें, तो उन सभी का जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो वो जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ऑडिटर को उसमें क्या रोल प्ले करना है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैल्यूएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो असेट्स का वैल्यूएशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम वेरियस टाइप ऑफ प्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं, जो मूल्य के प्रकार हैं वो किस प्रकार के मूल्य जो है प्रचलित रहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग प्राइजेस आर बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो देखिए, कुछ जो मूल्य अभी हम देखने वाले हैं वो मूल्य संपत्तियों के मूल्यांकन का क्या हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, या उनके बेस पे उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मूल्य की अगर हम बात करें तो वो है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लागत मूल्य। अब देखिए, लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर जो व्यवसाय का ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, वो किसी पर्टिकुलर असेट्स को परचेज करके लेके आता है। ठीक है, जिस प्राइस पे किसी पर्टिकुलर असेट्स को परचेज किया जाता है वो प्राइस क्या कहलाती है, उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। ठीक है, और इस कॉस्ट प्राइस में असेट्स को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, जब तक हम उसको एस्टैब्लिश नहीं कर लेते या जब तक हम उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक हम उसको उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाएंगे, कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर किसी हम फिक्स असेट्स की कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसकी परचेज प्राइस के साथ में हम वो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं जो उसको यूज़ करने तक हमने किए हैं। ठीक है, तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो कॉस्ट प्राइस के अंदर आ जाएगी। इसे लागत मूल्य कहा जाता है, जो कि किसी वस्तु को क्रय करने पर दिया जाने वाला मूल्य होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड है मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाजार मूल्य। अब देखिए, बाजार मूल्य क्या होता है, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस दिन किसी पर्टिकुलर असेट्स का मार्केट में जो वैल्यू चल रहा होता है वो क्या कहलाता है, मार्केट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, बाजार मूल्य का मतलब होगा
कि जिस दिन हम चिट्ठा बना रहे हैं, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस दिन बाजार में जो संपत्ति का प्रचलित मूल्य होगा वो उसका बाजार मूल्य कहलाएगा। फिर बात करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कहते हैं हम पुस्तक मूल्य। अब देखिए, पुस्तक मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जो बुक वैल्यू होता है वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर किसी पर्टिकुलर असेट्स को हमने बुक के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, मतलब जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने की जो वैल्यू है, या बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो वैल्यू ही क्या कहलाती है? उसकी बुक वैल्यू कहलाती है, पुस्तक मूल्य कहलाती है। फिर बात करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं प्राप्य मूल्य। ठीक है, हिंदी में उसको हम कह सकते हैं प्राप्य मूल्य। प्राप्य मूल्य का मतलब ये होगा कि जिस दिन हम अपने बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस दिन अगर हम उस असेट्स को मार्केट में बेचने जाए, तो मार्केट में जो प्राइस में वो असेट्स बेचा जा सकता है, वो प्राइस आपकी क्या कहलाएगी? रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। मतलब पर्टिकुलर किसी असेट्स को हम मार्केट में किस प्राइस पर बेच सकते हैं, या बेचने पर हमें जो सेल करने पर हमें जो वैल्यू रिसीव होगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगा? आपके रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मूल्य। प्रतिस्थापन मूल्य का मतलब यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर असेट्स को हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी पुराने असेट्स की जगह पर नया असेट्स लगा रहे हैं, तो नया असेट्स लगाने के लिए जो भी हम खर्चे करेंगे या जो भी एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रिप्लेसमेंट वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता या चालू स्थिति मूल्य। देखिए, चालू स्थिति मूल्य इसको कहते हैं। तो देखिए, चालू स्थिति मूल्य क्या होता है कि बहुत सारे जो असेट्स होते हैं उसका वो यूज़ करते रहते हैं हम। ठीक है, तो उनका जो यूटिलाइजेशन वैल्यू है वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है। अब देखिए, बिजनेस में बहुत सारे फिक्स असेट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और यूज़ करने पे उनकी वैल्यू में क्या आती है? कमी आती रहती है। तो ऐसे असेट्स को हम डेप्रिशिएबल असेट्स भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स ये है कि डेप्रिशिएबल असेट्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है। यूटिलाइजेशन वैल्यू कम होता रहता है। तो वो जो कम हुआ हुआ वैल्यू होता है वो ही गोइंग कंसर्न वैल्यू कहलाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चालू स्थिति मूल्य, जिसमें से हम पर्टिकुलर किसी असेट्स की वैल्यू में से जब हम उसका डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं, तो पीछे जो वैल्यू बचता है वो वैल्यू क्या कहलाता है? ये गोइंग कंसर्न वैल्यू कहलाता है। तो कुल मिला के हम इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह सकते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसमें से हमने डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया असेट्स की वैल्यू में से, तो वो वाला जो वैल्यू होता है वो आपकी क्या कहलाता है? गोइंग कंसर्न वैल्यू कहलाता है। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं चालू स्थिति मूल्य। इसके बारे में भी आपसे एग्ज़ाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे जनरल प्रिंसिपल एज रिगार्ड एज वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, मूल्यांकन के संबंध में जो प्रचलित सिद्धांत है, जिनका पालन किसको करना होता है? अंकेशक को करना होता है, ऑडिटर को करना होता है, उन सिद्धांतों के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपके वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। अब देखिए, अगर ऑडिटर फिक्स असेट्स का वैल्यूएशन करने जाए, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, या उसे इस बारे में उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, बिजनेस में कुछ असेट्स कैसे होते हैं? फिक्स नेचर के होते हैं। ठीक है, और फिक्स असेट्स कौन से असेट्स होते हैं? जो कि बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, सेल्स के लिए नहीं रखे जाते हैं। फिक्स असेट्स किसको कहते हैं? जो पर्टिकुलर किसी बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए हेल्प करते हैं, वो असेट्स आपके फिक्स असेट्स कहलाते हैं। और जिनको हम सेल नहीं कर सकते वो हमारे पास रहते हैं। ठीक है, वो फिक्स असेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गया, और फर्नीचर हो गया। तो ये सारे आपके फिक्स असेट्स हैं। अब इनका अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसमें जो मार्केट वैल्यू है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑडिटर जब इनका वैल्यूएशन देखते हैं, तो उसके मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं, और बल्कि किसको ध्यान में रखते हैं? कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि देखिए, ये इनका जो कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है? इनका गोइंग कंसर्न वैल्यू होगा।
ठीक है, चालू स्थिति मूल्य होगा, क्योंकि ये तो डेप्रिशिएबल असेट्स होते हैं। अब इसमें से लैंड को अगर हम अलग कर दें, लैंड जो होती है, लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, इसलिए उसका हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी असेट्स बचते हैं फिक्स असेट्स, उनमें कुछ ना कुछ असेट्स ऐसे होंगे जो कि डेप्रिशिएबल हो गए, तो जो डेप्रिशिएबल असेट्स होंगे उनका कौन सा वैल्यू लेंगे हम, गोइंग कंसर्न वैल्यू देखेंगे, ठीक है, मतलब चालू स्थिति मूल्य देखेंगे। चालू स्थिति मूल्य क्या होता है, जिसमें से कॉस्ट में से डेप्रिशिएशन लेस क्या हुआ हो, ठीक है, जिसे हम अपलिखित मूल्य भी कहते हैं। तो अपलिखित मूल्य देखा जाता है और अपलिखित मूल्य चेक किया जाता है, ठीक है, फिक्स असेट्स के लिए। फिर बात करते हैं सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ फ्लोटिंग असेट्स। अब देखिए फ्लोटिंग असेट्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग असेट्स को हम अगर ऐसे कहें तो हम करंट असेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको अगर हम अपनी जनरल लैंग्वेज जो हम जानते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, करंट असेट्स, ठीक है। तो ये करंट असेट्स होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं चल संपत्तियाँ। अब चल संपत्तियाँ कौन सी होती है, जो कि बिजनेस में जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, ठीक है, जो करंट असेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके लिए बिजनेस किया जाता है, जो रीसेल की करने के लिए रखी जाती है, ठीक है, वो असेट्स आपकी क्या कहलाती है, फ्लोटिंग असेट्स कहलाती है, जो कि चल संपत्तियाँ होती है, जो बिजनेस में ज़्यादा समय तक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, इसमें आ सकते हैं आपके स्टॉक आ सकते हैं, डेटर्स आ सकते हैं, बीआर आ सकते हैं, बैंक के बैलेंस और कैश के बैलेंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वो असेट्स होते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जिनका क्या होता रहता है, इनका जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। तो ये सारे जो असेट्स होते हैं जो कि बिजनेस में बिजनेस के लिए रखे जाते हैं वो फ्लोटिंग असेट्स कहलाते हैं। और इनका जो वैल्यूएशन किया जाता है उसमें हमें देखना पड़ता है, सबसे पहले जैसे स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक है या फिर किसका है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, तो उसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो कॉस्ट प्राइस पे किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो फिनिश गुड्स है या फिनिश स्टॉक है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होगा उस पे किया जाएगा, ठीक है। अगर डेटर बीआर और इनकी बात करें, बिल्स रिसीवेबल की, तो इनका जो वैल्यूएशन है वो बुक वैल्यू पे किया जाता है। और इसमें से जो बैड डेट्स होते हैं या फिर जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होते हैं वो माइनस किए हुए होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ वेस्टिंग असेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं क्षयी संपत्तियों का मूल्यांकन। क्षयी मतलब क्षय होने वाली संपत्तियों का मूल्यांकन। अब क्षय होने वाली संपत्तियाँ कौन कौन सी हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तेल की खानें हो गई, तेल के कुएँ और खान वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या होता है, क्षय होने वाले असेट्स होते हैं। क्षय होने वाले मतलब वेस्टिंग असेट्स होते हैं, जिनका अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या होते रहेंगे, वेस्ट होते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे, ठीक है। तो इनका अगर वैल्यूएशन करना है तो ज़्यादातर वैल्यूएशन किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई डेप्रिशिएबल असेट्स है तो उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करके डेप्रिशिएशन वाला जो गोइंग कंसर्न वैल्यू है उस पे उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल असेट्स का हिंदी में हम कह सकते हैं अदृश्य संपत्तियों का मूल्यांकन। अब अदृश्य संपत्तियाँ क्या होती है, अदृश्य संपत्तियाँ वो होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, ठीक है, जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता और जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो क्या होगी, अदृश्य संपत्तियाँ होगी। लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व तो होता ही है व्यवसाय में, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स होती है और इन्हें फिक्स असेट्स की तरह ही माना जाता है। ये फिक्स असेट्स ही होती है एक तरीके से बिजनेस की। जैसे अगर हम एग्जांपल लें गुडविल का, तो गुडविल हमें दिखती नहीं है लेकिन बिजनेस में होती है, ठीक है, और फिक्स असेट्स की तरह ट्रीट की जाती है और फिक्स असेट्स के अंदर ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका जो वैल्यूएशन होता है वो किस तरीके से, इनका जो कॉस्ट प्राइस या फिर बुक प्राइस, दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे देखिए, अब इनका जो कंपनी एक्ट के अंदर दे रखा है वैल्यूएशन का मेथड, वो फिक्स असेट्स की तरह ही किया जाएगा, ठीक है, और ये बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स की तरह ही रिप्रेजेंट की जाएगी, ऐसा कंपनी एक्ट के अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम संपत्तियों का मूल्यांकन। अब देखिए कृत्रिम संपत्तियाँ होती कौन सी है, ये एक्चुअली संपत्तियाँ नहीं होती है, ये एक्चुअली असेट्स नहीं होते बल्कि कुछ एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जिन्हें बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है, और ये तब तक दिखाए जाते हैं जब तक कि इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से
क्या नहीं कर दिया जाए, राइट ऑफ नहीं कर दिया जाए, तब तक इन्हें हम रिप्रेजेंट करते रहते हैं बैलेंस शीट में। तो ये एक्चुअली कोई असेट्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, हमारे कुछ एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। जैसे इनके अगर हम एग्जांपल ले तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, बाकी शेयर और डिबेंचर पर जो हमने डिस्काउंट दिया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, तो वो जो सारे होंगे वो आपके फिक्टिशियस असेट्स कहलाएंगे। और इनका जो वैल्यूएशन होता है वो बुक वैल्यू पर ही किया जाता है, ठीक है। और बुक वैल्यू जो कि अब तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, इनको राइट ऑफ करना होता है पीएनएल में से, तो ऐसा वैल्यू जो अब तक बुक में से राइट ऑफ नहीं किया गया है वो वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो प्राइस इनका रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बारे में ऑडिटर को चेक करना होगा, ठीक है। तो ये थे आपके असेट्स के वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम देखते हैं वैल्यूएशन एंड ऑडिटर। तो ऑडिटर और वैल्यूएशन के रिगार्डिंग उसकी क्या, तो ऑडिटर की वैल्यूएशन में क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द ऑडिटर विथ रिगार्ड टू द वैल्यूएशन द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड। तो देखिए, ये जो ऑडिटर है वैल्यूएशन में उसका कितना रोल रहता है, किस तरीके से उसकी पोजीशन रहती है, वो अभी हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर, ठीक है। ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है, ठीक है। अंकेशक जो है वो मूल्यांकन करता नहीं है, क्योंकि अंकेशक जो होता है वो मूल्यांकन नहीं करता है, वो वैल्यूएशन नहीं करता है, क्योंकि वैल्यूएशन बेसिकली किसका काम होता है, बिजनेस के जो मैनेजमेंट है उनका काम होता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, बिजनेस के मैनेजर का होता है। मैनेजर के लिए ये काम क्या होता है, थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बिजनेस में कितने असेट्स है और कितना किस किस वैल्यू पे किसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैनेजर का बेसिकली ये काम होता है, ऑडिटर का काम नहीं होता है, ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, इंक्वायरी इनटू द फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना। अब देखिए, ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर का काम यह है कि इंक्वायरी करना कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो सही किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। इंक्वायरी इनटू द फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन, जो मूल्यांकन किया है वो सही तरीके से फेयर वैल्यू पे किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को चेक करने का मेन काम किसका है, ऑडिटर का, ठीक है। ये काम ही क्या है, ऑडिटर का है, क्योंकि वो मूल्यांकन करता तो नहीं है, लेकिन मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना उसका क्या है, उत्तरदायित्व है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेट्स का जो वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया है वो ट्रू और फेयर है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करना। अब देखिए, वो इस चीज़ को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की सहारा ले सकता है, क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकता है, ठीक है। सम ऑफ द मेथड यूजुअली अडॉप्टेड बाय एन ऑडिटर आर एज फॉलोज, इसके लिए कुछ मेथड वो यूज़ कर सकता है ऑडिटर, ठीक है। क्या क्या मेथड यूज़ कर सकता है, ईजी एंड कन्वीनियंट एविडेंस, ठीक है, वो किसी की सुलभ गवाही ले सकता है। क्या इसका मतलब ये होगा कि देखिए, ऑडिटर ने वैल्यूएशन नहीं किया है, वैल्यूएशन किसने किया है, मैनेजर्स ने किया है, तो वो वैल्यूएशन सही किया है या नहीं किया है वो इस चीज़ का एविडेंस किसी से ले सकता है, किसी से इस बारे में गवाही ले सकता है कि हाँ वाकई में वो वैल्यूएशन सही किया गया है या नहीं किया गया है। सेकेंड बात करते हैं, एडवाइस ऑफ स्पेशलिस्ट, अगर मैटर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है या वैल्यूएशन का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्पेशलिटी वाला है, तो वो किसी स्पेशलिस्ट का भी क्या ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। कि कुछ टेक्निकल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो किसी पर्टिकुलर एसेट्स की, तो किसी स्पेशलिस्ट से वो क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है इस बारे में कि वैल्यूएशन सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं परसुरेंस ऑफ एप्लीकेबल रूल, ठीक है, उचित नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया, उसको ये भी देखना होता है कि जो वैल्यूएशन किया है वो सही रूल्स रेगुलेशन से किया है या नहीं किया है, उसमें अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल सही तरीके से फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्टिफिकेशन बाय रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, जो उत्तरदायी अधिकारी है, उनसे प्रमाण पत्र लेना, ठीक है। प्रमाण पत्र ये लेना कि जो वैल्यूएशन है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, इस संदर्भ में क्या लेना, प्रमाण पत्र लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट की, ठीक है, सस्पेशन टू द मेंशन इन द रिपोर्ट। देखिए, अगर कोई कंडीशन कैसी हो,
सस्पेशन हो, ठीक है, कोई संदिग्ध या कोई संदेह हो ऑडिटर को, तो उसके बारे में उसे अपनी रिपोर्ट में क्या कर देना चाहिए, मेंशन कर देना चाहिए। अगर लगे उसे कि किसी पर्टिकुलर असेट्स के बारे में जो वैल्यूएशन है वो सही तरीके से नहीं किया है, या किसी का डेप्रिसिएशन उसे माइनस करना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं किया है, तो उसे अपने इस बात को किस में लिख देना चाहिए, ऑडिट की रिपोर्ट में लिख देना चाहिए। कोई सस्पेक्शन कंडीशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको लगता है कि नहीं की गई है, तो उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे देखिए है डिफरेंस अमंग द वाउचिंग वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अब देखिए ये जो तीन चीज़ें हैं ये देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, ऐसे एक जैसी नहीं लगती कि इन सब के आगे वी से स्टार्टिंग हो रही है। वाउचिंग, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन वी से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए एक जैसी नहीं लग रही है, बल्कि इनका जो चेकिंग करने का जो प्रोसीजर है वो एक जैसा दिख रहा है हमने जो पढ़ा है अब तक उसके हिसाब से, तो लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल क्या है, डिफरेंसेज है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम वाउचिंग की बात करें तो वाउचिंग क्या चीज़ होती है, देखिए वाउचिंग के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो हमने देखा था कि वाउचिंग इन्वॉल्व्स एन इंक्वायरी इनटू द डॉक्यूमेंट विच स्टैंड एज एविडेंस ऑफ द सर्टेन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस एग्जामिनेशंस ऑफ द ओरिजिनल एंट्रीज ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए वाउचिंग का मतलब क्या है, वाउचिंग का मतलब ये है कि ऐसे चीज़ों की या ऐसे डॉक्यूमेंट्स की या ऐसे एविडेंस की क्या करना, एग्जामिनेशन करना, ऐसे डॉक्यूमेंट को चेक करना जो कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एविडेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी एंट्रीज हमने लिखी है उसके लिए जो पर्टिकुलर एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करना, वो क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है। ठीक है, और वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन क्या होता है, एन इंक्वायरी इनटू द एक्यूरेट एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जो आपके असेट्स और जो लाइबिलिटीज़ है वो सही वैल्यू पे रिप्रेजेंट किए हैं या नहीं किए गए हैं, इस बारे में इंक्वायरी करना। ठीक है, वाउचिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के एविडेंस डॉक्यूमेंट जो है वो, उसके बारे में इंक्वायरी करना। और वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमारे असेट्स और लाइबिलिटी का जो वैल्यूएशन है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, उसकी इंक्वायरी करना। जबकि वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ओनरशिप वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इस टर्म एज वेरिफिकेशन। तो देखिए एग्जामिनेशन किस चीज़ का करना, एग्जिस्टेंस का करना, ओनरशिप का करना, वैल्यू का करना, मतलब वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी जांच है या ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम क्या चेक करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, ओनरशिप चेक करते हैं, उनका वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे और देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। वाउचिंग इज ऑलवेज ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस। जो वाउचिंग है वो हमेशा ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या जो अकाउंट्स हैं और उनके जो बैलेंसेस हैं अकाउंट के, उनकी की जाती हैं। ठीक है, जबकि वैल्यूएशन इज़ रिलेटेड टू द असेट्स। और वैल्यूएशन बेसिकली किससे रिलेट करता है, असेट से रिलेट करता है कि असेट्स का मूल्यांकन सही किया है या नहीं किया है। और वेरिफिकेशन रिलेट टू द असेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ। ठीक है, और वेरिफिकेशन का जो रिलेशन होता है वो असेट्स और लाइबिलिटी दोनों से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, वाउचिंग इज़ यूजुअली डन बाय ऑडिट क्लर्क। जो वाउचिंग का काम है, प्रमाणन का जो काम है, वो ऑडिट के क्लर्क जो होते हैं वो कर सकते हैं और वो ही करते हैं उसको। ठीक है, एंड वैल्यूएशन इज़ जनरली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जबकि वैल्यूएशन किसका काम है, मैनेजर का काम है। ठीक है, बिजनेस के जो मैनेजर है उनका काम है वैल्यूएशन करना। और वेरिफिकेशन इज़ डन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। और जो वेरिफिकेशन का काम है वो ऑडिटर खुद करता है। ठीक है, क्योंकि वो फाइनली जो काम होगा वो ऑडिटर खुद करेगा। तो ये था आपके डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अब आगे के जो टॉपिक है इसी वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।